अनुभव ब्रह्म साक्षात्कार आख्य है विद्वत अनुभव ये हो गया था उसके पहले आदिपदान मनन निधि इतिहास नय ग्रह यही दिया अनुभवादेश किंतु श्रुत्यादेव अनुभवादेश यथा संभवम यह प्रमाणम अनुभव अनुभावसान भूतवस्तु विषयत्वाच ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म जिज्ञासा केवल श्रुतिया श्रुतियादि प्रमाण ऐसा नहीं धर्म जिज्ञासा में वाक्य प्रमाण है किंतु ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुतियादय अनुभवादय अनुभव यथा संभव यह प्रमाण अनुभव कहीं मनन करना पड़ता है मनन निधि ध्यान में भी यदि अत्यंत शुद्ध अंतकरण है जन्म में बहुत कुछ अनुभव किया था अथवा उपासना करके अत्यंत शुद्ध हो गया कृतोपाति तो थोड़ा श्रुति से श्रवण के बाद अनुभव हो जाएगा श्रुत्यादि अनुभव आदि जो यथा संभव इसे यथा संभव।, यथा संभव कौन से किसके लिए कोई श्रुति के बाद मानन कितने करेगा कितने करेगा और अनुभव अनुभवादेश यथासम प्रमाण अनुभव प्रमाण है इसी में जो अनुभव का अर्थ दिया आदिपद से आदिपदा तो मनन निधि ध्यान ग्रह और तो श्रुत्या पहले पूर्व ने कहा था, बेदार था, था। तो की आवश्यकता नहीं वेदार्थता किंतु श्रुतिलिंग आदेव इसके प्रकार श्रुतिलिंग वाक्य तो तात्पर्य निश्चय के लिए कहीं अंगांगी बोध के लिए वाक्य तात्पर्ण होता है अंगांगी बोध के लिए संबंध के लिए लिंग वाक्य प्रकाण वाक्य प्रकाणों भी साक्षात तो अलग प्रमाण नहीं मीमांसा में उसके द्वारा आगे आ गया टीका में आएगा श्रुति कल्पना करके ही प्रमाण होते हैं और श्रवण मनन निध्यासन से होने से आदिपत्य से मनन निध्यासन करना ये भी संग्रह होगा तथेतमा तो अनुभव अनुभववसान ब्रह्मज्ञान से अनुभव अनुभव है अवसान अंत में श्रवण मनन करते करते अनुभव में ही अंत में साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान अनुभव उसका साक्षात्कार उसका फल है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति अनुभव में अवसान होता है और ज्ञान ब्रह्मज्ञान भूतवस्तु विषय तो आज भूत सिद्ध वस्तु को विषय करने वाले सिद्ध वस्तु हो जैसा ही ज्ञान होगा वहाँ उसमें मन मानने की आवश्यकता है श्रुति के श्रवण के बाद धर्म के विषय में सिद्ध वस्तु नहीं होने से अनुभव नहीं होगा धर्म जी की आशा अनुभव धर्म का यागादि करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा यागादि धर्म तो अनुष्ठान करने पर धर्म होता है धर्म का अनुभव नहीं इसलिए वहाँ संभव नहीं अभी कहेंगे मुक्त ब्रह्मज्ञान से साक्षात्कार अवसाना प्रत्येकभूत सिद्धब्रह्मगोचर साक्षात्कार फलक संसंभवा तदर्थम अन्नादी अपेक्षा युक्ता मुक्त मुक्ति अर्थ प्रयोजनम ये ब्रह्मज्ञान से मुक्त हाँ मुक्त इदमित मुक्त मुक्ति के लिए ब्रह्मज्ञान मुक्ति के लिए ब्रह्मज्ञान शाब्द से ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान शब्द प्रमाण से होगा ब्रह्म ज्ञान अने सासाधन से अंतगोशु के लिए ज्ञान तो शब्द प्रमाण से होगा और ये जो शाब्द्रह्मज्ञान है साक्षात्कार अवसान क्षण साक्षात्कार अवसान को तो अपेक्षण ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार अवसान यश्य अवसान य से अंत में साक्षात्कार साक्षात्कार संशय विपर ज्ञान पहले थोड़े ज्ञान होता है ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए तो संशय विपरीत निवृत्त जो तो नहीं हुआ वो ज्ञान को अपरोक्ष कहे कहीं कहा जाता है किंतु वो दृढ़ अपरोक्ष नहीं है कहें कहे उसको परोक्ष ज्ञान कहते आगे अपरीक्षय होगा साक्षात्कार होगा अर्थात तो अपरक्ष होने पर भी उसने संशय विपर्य देहादि में हम बुद्धि विपर्य निवृत्ति नहीं होने से वो प्रतिबद्ध अप्रति प्रति है अप्रतिबद्ध ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो प्रतिबंध के संशय विपर्य और यदि वासना है सब समझ लिया मनन भी कर लिया किंतु तो साक्षात्कार नहीं होता है वासना प्रतिबंधक होता है अप्रतिबद्ध ज्ञान ही साक्षात्कार 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 अवसान है तब तक श्रवण मनन आवृत्ति करते रहे और यह साक्षात्कार है जो प्रत्यभूत सिद्ध ब्रह्म ब्रह्म सिद्ध है पहले से नित्य प्रह्म प्रत्य प्रह्म प्रत्य है सिद्ध है वह नित्य सिद्ध ब्रह्म प्रत्यभूत अपना स्वरूप है प्रत्यभूत जो प्रत्येक आत्मस्वरूप आत्मा अपने सभी ब्रह्म गोचर होते हैं ना तद विषय इसलिए यहाँ साक्षात्कार फलक तो संभवात ब्रह्मज्ञानम साक्षात्कार फलकम् साक्षात्कार फलम यसे ब्रह्मज्ञान का फल साक्षात्कार ज्ञान हो होने से साक्षात्कार क्या है अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान निवृत्ति होने से अनावृत्त अज्ञान अनावृत चैतन्य अज्ञान होता आवरण साक्षात्कार तो ज्ञान से जब अज्ञान निवृत्त हो जाता है चैतन्य अनावृत हो गया अनावृत सिद्ध रूप है अभिव्यक्त तो हो जाता है वही साक्षात्कार है उसका फल फल बाद, उसके लिए मनन दि, मननिधि आसने की आवश्यकता है शास्त्र से श्रवण करने के बाद शास्त्र तात्पर्य निर्णय करना होता है ये अद्वितीय ब्रह्म में ही तात्पर्य सारे वेदांत का बार बार श्रवण करते करते तात्पर्य निश्चय होता है अद्वितीय ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं सारे पदार्थ मिथ्या है ये यदि निश्चय हो जाता है सामान्य से निश्चय हो जाता है द्वितीय ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म किंतु दे तो प्रपंच में सत्य तो बुद्धि नहीं जाती है तो फिर तो निश्चय नहीं हुआ रज्जु सर्प है निश्चय यदि हो जाए रज्जु है तो सर्प सर्प न सर्प और अब रज्जु भी है सर्प कर भागता है सर्प रज्जु का निश्चय हो गया निश्चय हो गया तो फिर सर्प कर भागता क्यों? दर्ता, क्यों? दर्ता है क्यों सर्प नहीं करने पर डरता क्यों डरता है मतलब अभी रज्जु का निश्चय रज्जु का निश्चय तो रज्जु रेब नाय सर्प ईश्वर ब्रह्म अद्वितीय है ऐसा निश्चय हो जाए सदैव समय अग्र आश्री ते केमे वा सुन करके विश्वास हो जाता है श्रद्धा है और नेह नाना किंचन श्रुति कहती है वो भी ठीक है एक अद्वितीय ब्रह्मा एक है विश्व में श्रद्धा से मान लेता है निश्चय हो गया किंतु द्वितीय प्रपंच में सत्य तो बुद्धि इतनी दृढ़ है ब्रह्मा अद्वितीय कहते समय भी कोई कुछ कह दिया तो डर हैं क्या हमको सोता है <laughs> थोड़े से कुछ कम है कितने है? जो कहते तीनों काल में जगत ही नहीं और दाल सब्जी में नमक नहीं है ऐसे <laughs> <laughs> ही कोई बात <laughs> करते तीनों कहानी जगह नहीं तीनों करते जगह भजन दमक नहीं तो ये दृढ़ निश्चय नहीं होता है और उसको कुछ ऐसे तर्क करने वाले उल्ट पाल्ट करने वाले कहते कहते ये भी मिथ्या है तुम जो देखो मिथ्या है तुम जो हमने इसे कहा यह भी मिथ्या है जगते मिथ्या है सब so, इसे कहकर कहने से कुछ नहीं साक्षात्कार ये संशय रहित यदि श्रवण करके पांडित्यम निर्विद्य भगवान भाष्यकार कहते उसी श्रोतव्य मंतव्य में श्रवण करने तो पांडित्य हो जाए तो वैराग्य हो जाएगा संसार से द्वैत प्रपंच मिथ्या तो बुद्धि हो जाए तो वैराग्य होना चाहिए ज तो वैराग्य नहीं हुआ दृढ़ अत्यंत वैराग्य द्वैत प्रपंच से तभी तो श्रवण किया है वैराग्य नहीं होता तो श्रवण जन्य अभी पलन नहीं हुआ फिर श्रवण करते रहे कुछ होते हमने पढ़ लिया पहले पढ़ लिया ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया कितने बार पढ़ लिया हो गया हमारा बहुत पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया फिर अब अभी कुटिया बनाना है कमरा बनाना है कुछ करना है और कुछ करना है थोड़ा देर जाना है कितने कितने हो गए ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ वासना तो सब पढ़ लिया जान लिया तो तत्व अद्वितीय ब्रह्म का निश्चय हो गया तो द्वैत रज्जु निश्चय हो गया तो सर्प भय अद्वितीय ब्रह्म निश्चय हो गया तो जितने कम से कम चलता है शरीर प्रार्ध प्रार्ध कर्म बहु होता है भोजन कर्ण कर, भोजन आदि करता है ठीक है किंतु बहुत तो नहीं जितने तृप्त वो तो ये नहीं कहेगा इसको ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया क्या बहुत पढ़ लिया तो निश्चय हो दृढ़ और क्या करना फिर दृढ़ निश्चय हो गया अद्वितीय ब्रह्म है तो पपन क्यों करना नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो तो प्रपंच भी नहीं करो समाधि स्टाग्र बैठ जाओ वो संभव नहीं वैराग्य कहाँ से हुआ श्रवण मनन से वैराग्य प्रपंच से वैराग्य होना चाहिए श्रवण मन से वैराग्य नहीं तो पंडित जो शास्त्र श्रवण करके दृढ़ निश्चय हो जाएगा वैराग्य हो जाएगा तो फिर मनन अपने आप शुरू होता है मनन करना होता है मनन होता है मनन निश्चय चलता रहता है द्वित प्रपंच मिथ्या है युक्ति से सम विचार करता है लक्षाधि विचार करता है तो अद्वितीय ब्रह्म संभव है युक्त्या संभावित तत्व अनुसंधान मनन भवे तो पंचदश में कहा गया ऐसे मनन करते करते अपन मन स्थिर हो जाता है उस अहम असम ब्रह्म कुछ कभी पहले पहले कभी कभी एक एक क्षण के लिए थोड़ा अस्थिर हो जाएगा मैं ब्रह्म किंतु तुरंत फिर इधर उधर आता है द्वितीय प्रपंच सत्य बुद्धि यह अनाधिकाल से इतनी सत्य तो बुद्धि है समझने के बाद भी सत्य तो बुद्धि नहीं जाती है इसलिए फिर मनन करे मनन करते करते ब्रह्माकार बुद्धि होती उसका फल है साक्षात्कार साक्षात्कार संशय पर रहित ज्ञान अप्रतिबद्ध ज्ञान इसे साक्षात्कार फल संभव ज्ञान से शब्द से जो ज्ञान हुआ उसका फल साक्षात्कार शब्दजन्य ज्ञान को अपरोक्ष कहेंगे साक्षात्कार का अर्थ दृढ़ अपरोक्ष हो अप्रतिबद्ध अपरोक्ष और यदि शब्द ज्ञान को कोई परोक्ष कहते हैं वाचस्पति का परोक्ष कहते परोक्ष हो तो आगे साक्षात्कार अपरोक्ष होगा दोनों मत में कोई शब्द प्रयोग में भेद है कोई पहला अपरोक्ष कहेंगे अदृढ़ है अतः प्रतिबद्ध कहेंगे दृढ़ अपरोक्ष चाहिए अप्रतिबद्ध अपरोक्ष चाहिए अज्ञान निवृत्ति के लिए और जब पहले से परोक्ष कहेंगे आगे अपरोक्ष ज्ञान चाहिए अज्ञान निवृत्ति के लिए किंतु श्रवण के तो मनन चाहिए केवल मन नहीं तदर्थम मननादि अपेक्षा अधिपति से निधि आसनिक अपेक्षा है ये भाष्य में आया आगे भाष्य में कर्तव्य ही विषय नानुभव अपेक्षा आगे भाष्य में है ये जो भाष्य पंक्ति उसकी व्याख्या करते ठीक क्या कर यहाँ कर्तव्य ही विषय जो करना है अभी हुआ नहीं उत्पन्न होगा उसे अनुभव क्या पैसा है अनुभव पैसा नहीं है इसीलिए क्या हुआ थी श्रुत्यादि नामेव प्रामाण्यम श्रुति लिंग प्रमाण आदि यही प्रमाण है और कर्तव्य जो होता है यागादि पुरुषाधीन आत्मलाभवाच तो कर्तव्य से पुरुषाधीन आत्मलाभ हो कर्तव्य से यागादि कर्तव्य पुरुषाधीन आत्मलाभ आत्मन लाभ स्वरूपलाभ स्वरूपम जो यागादि है वही आत्मलाभ जागादि का लाभ पुरुषाधीन पुरुष करेगा तो याग होगा अध्ययन काल में वेदाध्ययन काल में यागादि का अभवर्ण जो करेगा उसका अनुभव हो जाएगा वो अनुभव नहीं होता है स्वयं करेगा आत्मलाभ तो कर इसलिए पुरुषाधीन आत्मलाभ होने के कारण सिद्ध नहीं है अनुभव की अपेक्षा नहीं अनुभव नहीं अब समय ही नहीं विषय है इसी का ही अर्थ है टीका में धर्म हेतु धर्म हेतु किसका भाष्य पंक्ति इसका ही कर्तव्य ही विषय उसका व्याख्यान है धर्मे तो नित्य परोक्ष साध्य धर्म परोक्ष है नित्य कविया परोक्षण नहीं होता है और साध्य सिद्ध नहीं पुरुष कृति करेगा तो प्रयत्न करेगा तो कृति साध्य हो उत्पन्न होगा अपरक्षण ही परोक्ष वहाँ साक्षात्कार अपेक्षित है साक्षात्कार से अनपेक्षितवाद तो अपेक्षित है और असम्भव अयोग्य धर्म साक्षात्कार का की योग्यता उसमें ही नहीं साक्षात्कार नहीं होगा असंभवा च अयोग्यवा अयोग्यता से असंभव है साक्षात्कार के लिए अयोग्य असंभव है योग्य होता नहीं योग्यता है तो प्रत्यक्ष होगा चाक्यू से साक्षात्कार वायु का हो जाता है ना नहीं असंभव है रूपा नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं होता है चाक्यू से श्रुत्या निर्णय मात्र अनुष्ठानाय अपेक्षित तो वेद वेद श्रवण करने पर धर्म का ज्ञान होगा तो क्या होगा श्रुति प्रमाण से अनुष्ठानय किम अपेक्षितम निर्णय मात्र निश्चय धर्म का निश्चय मात्र ये याग स्वर्ग का साधन याग क्या है अंग क्या है ये निर्णय मात्र अनुष्ठान के लिए अपेक्षित है अनुभव अपेक्षित नहीं है खाली श्रुति नहीं श्रुत्या कहता लिंग वाक्य प्रमाण था ये सब क्या ये सब लिंग आदय ये जो इतने श्रुति के अंतर्भूत है, अंतर है। अंगांगी भाव उधर के लिए ये प्रमाण है लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या किंतु तो लिंग से श्रुति का अनुमान होता है वाक्य से लिंग का अनुमान करेंगे लिंग से श्रुति कल्पना इसी प्रकार है इसलिए लिंगादय तो श्रुति अंतर्गूता है वो, श्रुति के अंतर्गत श्रुतिके द्वारा ही वह तो प्रमाण है स्वतंत्र नहीं श्रुति द्वारा निर्णय निर्णय उपयोगिते नपेक्षंते लिंगादय लिए निर्णय के लिए अंगा के निर्णय के लिए निर्णय उपयोगित है ना किंतु श्रुति द्वारा साक्षात नहीं श्रुति के द्वारा लिंग से मीमांसा में, में तर्क अर्थ संग्रह बताते हैं लिंग से श्रुति कल्पना करे। तो करें श्रुति लिंग में बलवत श्रुति है लिंग दुर्बल क्योंकि लिंग से जब तो श्रुति कल्पना करें तब तो श्रुति अपना अर्थ बोधन कर दिया लिंग के अभी वाक्य दुर्बल है वाक्य से लिंग कल्पना करेंगे तब तक लिंग से श्रुति कल्पना हो जाएगी और लिंग कल्पना करके श्रुति योग कल्पना करके श्रुति बोध हो जाएगा इसलिए लिंग पहले बोधजनक हो जाएगा वाक्य के विषय इस प्रकार परपर पर दुर्बल पर होता है तो स्वतंत्र नहीं लिंग होता श्रुति के द्वारा ही निर्णय का उपयोगी के लिए अपेक्षित होते वहाँ धर्म के लिए मननादय न अपेक्षंते न मननादय अपेक्षंते अपेक्षणते क्रिया कर न मननादय अनुपयोगा तो वहाँ उपयोग ही नहीं असंभव ही नहीं योग्यता नहीं अभी श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समख्यामास बताते हैं संग्रह में श्रुति क्या है वेद को श्रुति तो कहते हैं किंतु अंगांगी बोध के लिए जो प्रमाण आया श्रुतिलिंग वाक्य प्रमाण उस श्रुति का क्या है शब्द निरपेक्ष रव शब्द श्रुति रव शब्द निरपेक्ष शब्द श्रुति और लिंग क्या है शब्द से अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य लिंगम मीमा में सामर्थ्य शर्वश्द लिंगमीत विधीय शब्द सामर्थ्य लिंग शब्द से अर्थ प्रकाश होना शब्द में सामर्थ्य प्रकाश करने सुते वाक्या। वाक्या के लिए लिंगम सुतिलिंग और वाक्य वाक्य कैसे योग्य इतर पदाकाकांक्षा पदम यो वाक्यम समार वाक्यक पद अन पद के साथ ये समव्यवहार एक साथ उच्चारण करें तो वाक्य हो जाता है किंतु योग्य इतर पद आकांक्षा जो पद जो पद योग्य इतर पद की आकांक्षा करता है ये मेरी करके ये, वो होता है वो, वो पद होता है वाक्य समव्यवहार समीप उच्चारण पद वाक्य होगा और प्रधान प्रकरण के लिए कहा उभयाकांक्षा प्रकरण दर्शपूर्णवास दर्शनवास का विधान किया गया उसमें कथम भाव की आकांक्षा कैसा करे प्रयाज वाक्य आया ईरोजती तनु न पात यजती बरी यजती ऐसे वाक्य प्रयाज का विधान किया उनका साध्य नहीं कहा गया किम भावे है साध्य की आकांक्षा है प्रयाज वाक्य में साध्य की आकांक्षा है और दर्शपूर्णमासे आगे में इति कर्तव्यता अंगों की आकांक्षा है उभय आकांक्षा प्रकरण उभय प्रकरण उनसे दर्शकवास है प्रयाज अंग हो जाएगा ये प्रकरण प्रमाणे किंतु प्रकरण से वाक्य कल्पना करेंगे वाक्य से लिंग लिंग से श्रुति ऐसे प्रकार होता है अंग वाक्य सापेक्षम प्रधान वाक्य प्रकरण प्रधान वाक्य हो गया दर्शकवास अजित इत्यादि अंग वाक्य प्रयास वाक्य तो सापेक्ष प्रकरण हुआ और स्थान है सन्निधि क्रम पठिता नाम अर्थान क्रम पठिति यथा क्रम संबद्ध अस्थान विनियोग होते विनियोग विधि क्रम से पठित अर्थान मंत्र हो क्रम से पढ़ेगी और अनुष्ठान करेंगे क्रम से ऐसे पढ़ेंगे कुछ मंत्र कुछ अनुष्ठान करने के लिए कहा गया मंत्र पढ़ेगा एक एक अनुष्ठान के लिए एक एक मंत्र प्रथम अनुष्ठान के लिए प्रथम मंत्र द्वितीय अनुष्ठान के लिए द्वितीय मंत्र जिस क्रम से पढ़ा गया इस क्रम से जाएगा ये क्रम पठित यथा क्रम संबंध संबंध का भी नहीं होगा अन्य के साथ मंत्र आदि का भी नहीं विनियोग यथा ईंदिराग्न इष्टय दस क्रम न पठिता ईंदिरा आदि इष्टि घी दूध दुद, घृत आदि के द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं इष्टि तीन प्रकार आग होते ष्टि सोम पशु दुग्ध दधतक के द्वारा होता है है जितने स्टी सारे स्टी की प्रकृति है दर्श पुनवास प्रकृति का अर्थ जहाँ सारे अंगों का उपदेश किया गया कोई इष्टी का विधान किया गया सारे अंगों का उपदेश नहीं किया गया उसको कहेंगे विकृति प्रकृति विकृति में अंगा भाव नहीं विकृति स्वतंत्र है दर्शपुर्णमाश से इष्टियों की प्रकृति दशपुनवास से सारे अंगों का उपदेश किया गया और कई छोटे स्टिया कहीं कही, कही गई सारे अंगों का उपदेश नहीं किया तो भी उसका अनुसार प्रकृतिवत विकृति करते हुए इष्टि सारे इष्टि के लिए दर्शपूर्णाश एक ईष्टि ईंदिरादय इष्टय दश दश क्रमें पठिता दश क्या दश क्या विभिवती लिंग है मालूम होता है बहुचन एक वो जन बहुचन ऐ एक जन क्या बने यार क्या प्रतिबोध मालूम है दस नकार न कर लू पश दस तो। इष्ट क्रमें न पटिता इष्ट दस पढ़ेगी आगे मंत्र भी आगे दस मंत्रा मंत्र कितने इंद्रागी रोचना दिव्य इत्यादि मंत्र पढ़ेगी अभी विनियोग करने के लिए क्या करेंगे तत्र प्रथम स्टो कैसे विनियोग होगा प्रथम मंत्र से विनियोग होगा पंचम स्टी में किस मंत्र का विनियोग होगा ऐसी क्रमशः इत्यादि वो निम कल्पना करने लाए और समाख्या यौगिक पद संज्ञा साम्य में समाख्या समान साम नाम हो गया समाख्या है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण तान समाख्या विनियोग विधि में यथा संज्ञा का नाम नाम कुछ मंत्र है अध्यर्य होता है यजुर्वेद के ऋत्विकानम अधर्यो आध्र्य संज्ञ के जो मंत्र है आध्र्य संज्ञ के कर्मणि ही विनियोग यजुर्वेद में आध्र्य का कर्म वो कर्म में एक मंत्र का विनियोग होगा ये समाख्या से इति विवेक कह करके धर्म में श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण जब अपेक्षित तो होते ये बता दिया थोड़ा सा <laughs> वहाँ धर्म के लिए मननादिक अपेक्षा नहीं है अनुभव की अपेक्षा नहीं असंभव योग्यता नहीं किंतु ब्रह्म के लिए वहाँ मनन भी करना है निर्यातन करना अनुभव और निर्ता करना है, है। धर्म ज्ञान हो गया आगे अनुष्ठान करना है ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुष्ठान कुछ करना नहीं अनुभव धर्म ज्ञान में साधारण शास्त्र से निर्णय हो गया आगे अनुष्ठान करने अनुष्ठान करने के लिए जितने चाहिए आवश्यकता ज्ञान चाहिए मनन आदि की आवश्यकता नहीं जैसे जैसे कहा गया ऐसे करना है और तो ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रवण मनन करके समझ करके मनन करना है कैसे है मिथ्या अद्वित कैसे हो सकता है जीव के एकता है दोनों का लक्ष्यार्थ क्या है अन्य व्यतर के चिंतन करना है बार बार ऐसे करते करते मनन करते करते फिर ज्ञान ब्रह्म शाब्द ज्ञान होता है फिर अनुभव होने तक हो तो उसका अभ्यास करना पड़ता है। ते मनन करते करते अनुभव होता है वहाँ मननादिक अपेक्षा एवं तावत ब्रह्म मननादि पूर्वपक्षी कहता है एवं मन ब्रह्म मननादि अनपेक्ष नहीं से तो पशी नहीं सिद्धांत ही कहता है एवं तावत ब्रह्म मननादि अनपेक्षा अपेक्षा है न है ब्रह्म न मननादि अपेक्षम ऐसा पाठ है अच्छा ये में न है था हाँ न मननादिअप मरनादि अपेक्षा नहीं है वेदार्थत्वात्थ अच्छा पूर्व पेश ने पहले कहा था पूर्व पिश कहता था ब्रह्म मन्नादि अपेक्षा नहीं देखो ननु पहले आया था ननु ब्रह्मणों मननादि अपेक्षा न ही होता वेदार्थत्वात्थ धर्मवत अभी जो आरंभ हुआ उसके पहले हुआ था ये जो पूरा ने कहा ब्रह्म मननादि अपेक्षा न वेदार धर्मवत ये अनुमान का भी ये पक्ष अनुमान का कथन करके सिद्धांत कहता है ऐसे दोष अनुमान में है एवं तावत कह करे जो तुम्हारा अनुमान पूर्व पक्षी का ब्रह्म न मरनादि अपेक्षम वेदा धर्मवत ये अनुमान है साध्यत्व धर्म से अनुभवयोग्यम उपाधि है धर्म साध्य है होने से क्या होगा वहाँ उपाधि हो वहां गया अनुभवयोग्यव एक आगे उपाधि वे पहले एक उपाधि है धर्म से साध्यत्व साध्य में तो जन्य उत्पन्न होगा जन्य होने के कारण अनुभवयोग्य अनुभव योग्यता उसमें ही नहीं उपाधि दिखाने के लिए देखो विचार कर तो जब जब उपाधि ढूंढना है साध्य का क्या होना चाहिए उपाधि है व्यापक साधन का अभ्यापक दृष्टान्त में साध्य रहता है नहीं रहता है सोच कर बोलना पड़ता है ना हैं hmm? दृष्टांत तभी बनेगा साध्य हेतु दोनों रहने पर नहीं तो दृष्टान्त बनेगा इसलिए व्यापक साध्य व्यापक उपाधि देखने के लिए पक्ष में साध्य क्या निश्चय हो गया है इसलिए साध्य व्यापक तो देखने के लिए पक्ष को ढूंढना है क्योंकि वहाँ साध्य निश्चित है नहीं दृष्टांत भी साध्य निश्चित है वो अनुमान वाक्य में एक साध्य के पक्ष है साध्य व्यापक तो उपाधि में देखने के लिए देखो दृष्टान्त में साध्य है वहाँ देखो उपाधि है नहीं यहाँ साध्य क्या है मनराध्या अनुपेक्षम मरनादि अनपेक्षित्व साध्य है वहाँ दृष्टांत में देखो दृष्टांति क्या है धर्म धर्म में उपाधि क्या है उपाधि है अनुभवयोग्यत्व साध्य क्या है मननादि अनपेक्षित्व मन साध्य क्या है धर्म में दृष्टान्त में साध्य रहेगा धर्म में मननादि अपेक्षित्व नहीं है साध्य तो रह गया दृष्टांत में उपाधि है ना नहीं देखो अनुभवयोग्यम धर्म में अनुभव अयोग्य रहेगा क्योंकि साध्य जन्य अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ अनुभव उत्पन्न होने पर भी अनुभव की योग्यता नहीं है तो यत्र मननादि अनपेक्ष तत तत्र उपाधि अनुभव अयोग्यम कहाँ देखा धर्म दृष्टांत साध्य व्यापक तो निश्चय हो गया साध्य व्यापक तो होने के बाद साधन का अव्यापक होगा तो उपाधि अच्छा पक्ष में साधन रहेगा नहीं रहेगा तो साधन व्यापक तो देखने के लिए पक्ष को देखो पक्ष में साधन है नहीं रहेगा तो स्वरूप तो से उपाधि तो पक्ष में हेतु है साधन है देखो साध्य क्या है यहाँ पक्ष क्या है ब्रह्म उसमें हेतु है ना नहीं देखो हेतु क्या है वेदार्थत्व तो साधन रह गया अच्छा उसमें देखो उपाधि है ना नहीं अनुभव ब्रह्म में अनुभव अयोग्य रहेगा नैरण से उपाधि नहीं रही पक्ष में ब्रह्म में साधन तो रहा किंतु उपाधि तो so, साधन का व्यापक उपाधि बनी अनु अव्यापक कौन हो अव्यापक हुआ कौन उपाधि तुम साधन का और साध्य का साध्य व्यापक से साधना व्यापक उपाधि लक्षण गया क्या उपाधि हो गया अनुभवयोग्यम और व्यक्ति उपाधि अनपेक्षित अनुभवत्म अनपेक्षित अनुभव से ब्रह्म अनपेक्षित अनुभव कित देखो दृशाति में धर्म में धर्म में साध्य है ना नहीं साध्य क्या है तो ना अनपेक्षित साध्य है देखो उपाधि में अनपेक्षित अनुभवत्म वह अनुभव अपेक्षित है अनपेक्षित अनुभव है अनपेक्षित अनुभव तो रह गया साध्य के व्यापक हो गया और ब्रह्म है पक्ष उसे हेतु तो रहेगा साधन क्या है साधन रह गया वहाँ देखो अनपेक्षा अनुभव तो है ब्रह्मा में वहाँ अपेक्षित अनुभव इसलिए उपाधि नहीं रहने से साधन का व्यापक हो गया दो उपाधि हो गए पूर्व पक्षी के अनुमान में पूर्व पक्षी ने अनुमान किया था ब्रह्म भी मननादि अपेक्षा नहीं है क्योंकि वेदार्थ जैसे धर्म धर्म के ज्ञान के लिए मनन निध्यासन की आवश्यकता नहीं यदार्थ ब्रह्म है उसे मरना दिया अपीचा नहीं करेंगे पहले कहा था सिद्धांति बता दिया इस उपाधि अनुभव आयुगोत्तम अनपेक्षित अनपक्ष तत्व उपाधि कहा उपाधि निश्चय होने से क्या होगा साध्य का व्यापक उपाधि है उपाधि साध्य व्यापक है उपाधि बेहतर व्याप्ति कैसे होगी ये उपाधि अभाव भाव तथा साध्या भाव अभी पक्ष में देखना ना उपाधि का अभाव हो गया तो होगा साध्य का अभाव पक्ष में उपाधि है उपाधि का अभाव उपाधि अभाव देखा था साधन व्यापक देखने के लिए पक्ष में उपाधि का है उपाधि का अभाव उपाधि का अभाव तो क्या होगा उपाधि अभाव साध्य अभाव साध्यम तत्र उपाधि साध्यप उपाधि यत्र साध्यम तत्व उपाधि यत्र उपाधि नती तत्र तो पक्ष में साध्य का वह निश हो जाए देखो आगे दिया उपाधि व्यतिरिका उपाधि का भाव से पक्ष क्या है ब्राह्मणी मननादि मन्नादी अत हाँ अपेक्षित अनपेक्षता न मन्ना अनपेक्षत का भाव साध्य का भाव उपाधि साध्य वह साध्य ख्या मन्नापेक्षत उसका अभाव हम ना दियातम तो ये भी कहा गया यदि वेदार्थत्व मात्र न ब्राह्मणो धर्म साम्य तो उचित पूर्व पक्षीय सिद्धांत वीर बताता है वेदार्थो तो मात्र न कोई एक साधारण को ले करके धर्म के साथ समान ब्रह्म को तुम कहना चाहते हो धर्म न ब्रह्मण साम्य समान तय तो उचित तरी धर्म कृर्ति साध्य है धर्म कीर्ति साध्य होने से ब्रह्म को ही कीर्ति साध्य हो बोलो समाने बेताते तरी कीर्ति साध्य हो तो हम ब्रह्म आपत्ति है ब्रह्म में और क्या आपत्ति है धर्म में विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद ये सब होते हैं धर्म में विधि धर्म के लिए विधि है धर्माधर्म विधि निषेध है कहीं विकल्प होता है कहीं उत्सर्ग होता है कब अपवाद होता है ये कीर्ति साध्य में ये सब आपत्ति धर्म में अब विधि निषेध विकल्प अपाध के अभी दृष्टांत बताएंगे विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपाध ये सब धर्म में होते हैं वेदार्थ होने पर होने के कारण यदि ब्रह्म में समानता कहोगे ब्रह्म में ये आसो आ जाइया कीर्ति साध्य तो क्या पति ब्रह्म में विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद ये की आपत्ति आएगी क्यों क्योंकि धर्म में वो वेदार्थ है वेदार्थत्व तो मात्र न धर्म के साथ समानता करोगे तो ये सब आपत्ति है ब्राह्मणी धर्मवत श्यू ये हो जाए तो सिद्धांत क्या ठीक हो जाए पूर्व पीछे हो जाए कहते ऐसा नहीं विपक्षी बाधक म पुरुषि इत्यादि में आगे भाष्य में पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच्च कर्तव्य से पुरुषाधीन आत्मलाभ आत्म आत्म है कर्तव्य जो यागा आदि कर्तव्य पुरुष कृति पुरुषाधीन आत्मलाभ उसका आत्मलाभ स्वरूप जो कर्तव्य है यागा आदि धर्म स्वरूप पुरुष का अधिन पुरुष प्रयत्न करेगा तो याग होगा वेद पढ़ देने से धर्म हो गया धर्म जो यागा आदि वेद जितने रट लिया तो यागा आदि नहीं यागा आदि करने के लिए धर्म करने के लिए उसके साधन है गृहस्ता से में जाता है धर्म से पानी ग्रहण पत्नी के सधर्मी कर्म करने के लिए कुछ कर्म करने के लिए पत्नी साथ में चाहिए ये सब होने के बाद तो कर्म करे प्रयत्न करेगा करने पर स्वरूप होगा इसलिए कर्तव्य विषय नानुभव अनुभव अपेक्षा अस्थि श्रुत्यादि पुरुषाधीन आत्मलाभ तो कर्तव्य से टीका में पुरुष पूर्सा, पुरुषाधीन काधीन पुरुषाधीन था पुरुष की कृति प्रयत्न का देना आत्मलाभ ये बहुत समाज से देखो बता दिया पुरुषकृत्यधीना अधीना है उत्पत्ति का आत्मलाभ का है उत्पत्ति लाभ उत्पत्ति पुरुषकृत्यधीना उत्पत्ति और लाभ के पुरुषकृत्यधीन आत्मलाभ यहाँ यहाँ उसका अर्थ बताने के लिए आत्मलाभ क्या उत्पत्ति उसके अनुसार पुरुष कृत्य देना उत्पत्ति स पुरुष पुरुषाधीन आत्मलाभ पुरुषाधीन आत्मलाभ कौन है उसमें रहेगा तत्भाव तत पुरुषाधीन आत्मलाभत्व तद्भाच धर्म धर्म में पुरुषाधीन आत्मलाभत्व तो रहने से श्रुत्यादीनाव प्राण्य विद्यान्वय वहाँ श्रुतियादीना प्राण्यम धर्म में ये पहले धर्में श्रुत्यादीना प्राण्यम धर्म को साध्य कहा है अभी अभी धर्म साध्य है धर्म साध्य तो धर्म से साध्य कैसे बताते धर्म से साध्य तो लौकिकर्म दृष्टानतेन स्फुटी लौकिक कोई कर्म दे करके धर्म में साध्यत्व का स्पष्ट करते भाष्य में <tum> कर्तुम अकर्तुम अथथ कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्म केवल वैदिक नहीं लौकिक वैदिक कर्म वा कर्तुम शक्यम कैसे दृष्टान्त देते देखा देखो दे दे यथा अश्व न गच्छति कोई जा सकता है न अश्वन ग सब लोग अश्वर से ही जाएंगे कोई पदभ्याम गति चल कर जाता है और कोई अस्वर से गया कोई चल कर जाता है और तीसरे व्यक्ति दौड़ेगा दोनों जाएंगे इसको भी जाना पड़ेगा कोई जरूरत नहीं जिसको जो प्रयोजन जाए अन्य नवागत वो नहीं जाता कोई कोई कर तुम अकर तुम अन्यता कर तुम अश्वन्य गंतुम शक्न होती अश्व बिना अकर् अस्वग अस्वारृढ़ बिना कर्त नवा कर्तुम अन्य तो अन्य था कर्तव नवा अकर्तम नवागत हो गया अकर्त अन अन्य पदव्या कर्षत कर्म में होगा इसी प्रकार वैद्य कर्म भी होगा कर्मकम करम में कोई वैदिक कर्म कोई है कोई नहीं कर सकता है कोई अन्यथा करता है अन्यथा कैसे तथा अतिरात्रे षोड गृहती नाती रात्र षोडशीनों गृण उदित ज्युहति अनुदिते जुहति ये सब विधि प्रतिषेध आदि है अतिरात्र कर्म है याग के पात्र का नाम पात्र का नाम षोड़शी पात्र नाम पात्र है सोमर सकते हैं वो कर्म करते छोड़शी पात्र का ग्रहण करता उपयोग करता है गृहनाती लट लकारे विधान हो गया और एक कहा कि ना अतिरात्रि षोड़ी अतिरात्रि षोड़शी न गृहनाती निषेध हुआ विधि से प्राप्त होकर के श्रुति से उसका निषेध हो गया प्राप्त का निषेध हो जाग तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए यदि नहीं ग्रहण करना चाहिए दोनों के यहाँ कहना क्या जरूरत है विधि करना क्या जरूरत है विधि करके निषेध करेंगे तो अत्यंत निषेध नहीं होगा जब अत्यंत निषेध हो जाएगा उसको विधान करना व्यर्थ हो गया विधि प्राप्त से निषेध अत्यंत निषेध नहीं होगा अत्यंत निषेध हो जाएगा तो विधि व्यर्थ हो जाएगी इसीलिए विकल्प कभी षोड़शी पात्र ग्रहण कर सकता है कभी नहीं कर सकता है इसी प्रकार मेहमान से विचार करते हवन करने के लिए उदित जू होती अनुदित जो होती अग्निहोत्र करने के हवन करने के लिए सूर्योदय के बाद कोई सूर्योदय के पहले ये जो उदित अनुदित ये वो भी इस प्रकार उदित हवन करेगा अनुदित्य करेगा दो बार करेगा या कभी कैसे करेगा ऐसा नहीं कभी छा तो उदय के बाद करे या कभी छा तो उदय के पहले कर दिया ये नहीं वो विकल्प है यदि उदित जो होती हमेशा उदित जो होती क्यों अनुदित जो होते तो अनुदित व्यवस्थित अभिभाषा विकल्प व्यवस्थित व्यवस्था व्याकरण करते अवदित जो होते उदित ही अवन करेगा अनुदित अनुदित इसी प्रकार इसी प्रकार विधि इस प्रतिषेधाच अत्र अर्थवंत शिव धर्म में विधि कहीं विधान कहीं निषेध सार्थक होते हैं अरे विकल्प कहीं विकल्प होता है कहीं उत्सर्ग और अपवाद उत्सर्ग सामान्य प्राप्त अपवाद उसका न महिंसा अथसर्वा था सर्वभूतानि हिंसा का निषेध करते उत्सर्ग ही अपवाद है अग्निशमय समय पशु मालव उसका तो अपवाद ये टीका में अभी है देखो यथा कह करके कर्तुम कर्तमकुम तथा तो दृष्टान्त स्फुटती यथा यथा दृष्टात यथा अश्वन न ये यहाँ से यथास्व निकसिद्धि दृष्टान्त हुआ दाष्टान्तिक कहाँ से कहा तथा अतिरात तद्व धर्मस्य। से ईश्वर धर्म कर्तुम अकर्तुम शक्यत्व मुक्त धर्म इसे कर सकता है नहीं भी कर सकता है और अन्यथा कर तुम शक्य तो कैसे उदित ज्योति होती ज्योति। अन्यथा कर सकता है कोई उदय कोई उदय के बाद धर्म से साध्यत्म धर्म साध्य है जन्य है वहाँ विधि आदि योग्यता महा विद्यादि की योग्यता है ये साध्य है पुरुष कृति प्रयत्न करके उत्पन्न होगा तो विद्यादि की योग्यता है तो इसलिए विधि आदि आवश्यकता है वहाँ था तथा तो विधि प्रतिषेधाश्च अर्थ सार्थक होते हैं विधि प्रतिषेधाश्च और विकल्प उत्सर्ग अप धर्म में सार्थक होते बाकी आया अभी विधि प्रतिषेधाश्च अर्थवंत स्यु विकलोत्सर्गपवाद अर्थवंत विधि प्रतिषेधाश्च विकल्पादेश्च धर्म साध्य अर्थवंत सार्थक होते अर्थवंत साधवकाश थे उनका अवकाश है ये जो दिया है ते ब्रह्मणेपी स्यु यदि मानेंगे ऐसी प्रकार वेदार्थ होने के कारण अभी पहले आया था अभी वेदार्थ होने के कारण धर्म के समान यदि साम्य मानोगे ये सब जैसे धर्म में जैसे होते हैं ऐसे ब्रह्म में भी सबकाश हो जाए ये अभी क्या आया था है में आया था हाँ विधि प्रतिशोध स्वर्पा ब्राह्मणी धर्मवत शिव ऐसे कहते विपक्षीवादक देते वो हो जाए यजेत विधि यजेत विधि न सुराम पिबेत ये निषेध प्रतिषेध इत्यादि विधि निषेधा और विकल्प कैसे बीरिर् बिर येरवा यजत ये यजेत बीर अवैत यवैरवा या कने के बीधया धान है धान को कूट करके पीस करके तंडुल से पूरा से बनाएंगे पीस करके या बेरिभा जय जब यहाँ विकल हो गया विकल्प संभावित है विकल्प तीन प्रकार है कहीं संभावित जैसे का का है कहीं ऐच्छिक है कहीं व्यवस्थित है ये संभावित विकल्प है कोई बीरस्य करे कोई अवश्य करे और ये संभावित विकल्प हो गया ग्रहण आ ग्रहण ऐच्छिक विकल्प सोलसी पात्र ग्रहण और अग्रहण ये अच्छी का विकल्प हुआ कोई अपनी इच्छा शीघ्र छोड़सी पात्र का उपयोग कर सकता है कोई नहीं कर सकता है इच्छा के कारण अच्छी का विकल्प हो गया और उदित अनुदित में अच्छी का नहीं उदित आने दे तो व्यवस्थित विकल्प उदित हम करने वाला उदित हम ही करेगा अनुदित अनुदित करे व्यवस्थित विकल्प न हिंसा तो सर्ग उत्सवर्ग उपाधि के लिए कहते न हिंसा सर्व उतर ने निषेध कर दिया हिंसा ये उत्सर्ग हो गया सामान्य और अपवाद उसका अग्नि समय पशु मालव है तो अपवाद व्याकरण में इस उत्सर्ग अपवाद होता है प्रकल्प अपवाद विषय तत्व उत्सर्ग अभि निविषते अपवाद को छोड़ के उत्सर्ग काम करेगा आद गुण से अवन से अस्पर्य तो गुण होता है और वृद्धि रह चिक ऐश्वर्य हो तो वृद्धि तो ऐश्पर्य वृद्धि को छोड़ करके बाकी गुण के लिए ऐश्वर्य वृद्धि अवन के बाद गुणवता कहीं नहीं गुण प्राप्त था अपवाद हो गया फिर एच चलाइया अभी क्या रहेगा अ ई e, ओ री री और अ के बाद अ हो जाएगा तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा इ e, ऊ री ली चार रहेंगे ये सभी प्रकार अग्निश अपवाद हुआ तथा उत्सर्ग अपवाद और देखा देखो आह बने जो होती अग्नि गारह अग्नि से ले करके आहवन अग्नि में हवन किया जाता है जो कर्म करेंगे किसी भी देवता को अर्घ्य देंगे आहुति देंगे आहविन अग्नि में हवन करेंगे आहविन ज्योति उत्सर्ग सामान्य अश्वय थे करते अश्वक जो लेकर के जो है अश्वकी जो पाद चिन्ह है वह हवन करने के लिए विधान किया गया वो हवन पद चिन्ह में करेंगे आहविन अग्नि में करेंगे क्योंकि विधान क्या से पदे पदे जो होती पदे जो होती पद चिन्ह में अवन करना है ये हो गया अपवाद सामान्य है सामान्य आवन अग्नि का विधान हवन करने के लिए किंतु से पदे अपवाद हो गया ये विवेक से समझ लेना ये सब धर्म में होते है अरे वेदार्थ तो सामान्य से धर्म ब्रह्म में साम्य मानोगे धर्म में जैसे प्रकार होता है ये सब आपत्ति आ जाएगी एते ब्रह्मण ये भी ब्रह्म में हो जाएंगे तो पूरा है इष्टापति ब्रह्म में हो जाए हम तो कहते ब्रमेश हो इष्टापति बारे दिक्कत नहीं बारण करते न तो वस्तु तो वस्तु एवं नव वस्तु तो वास्तव है नव अस्ति नास्ति इति वा विकल्प्य यहाँ जैसे हुआ कर्तुम अकर्तुम अन्य कर्तुम वस्तु एवं नईम इस प्रकार है इस प्रकार नहीं है अस्थि और नास्ती यही सब विकल्प सिद्ध है नहीं एवं नाथक दृष्टि काम है इदम वस्तु एवं नई ये प्रकार इस प्रकार इस प्रकार ये घट है पटवा इति प्रकार में विकल्प ये हो गया एवं प्रकार विकल्प आगे अस्थि नास्ति सत्ता स्व विकल्प सत्ता सौ में विकल्प है तो है नहीं तो नहीं है अस्थि नाति विकल्प सत्ता में नहीं होगा इसके ऊपर कहते कहीं ठीक है ठीक है मैं कह वस्तु में भी तो आत्मा के लिए विभिन्न प्रकार कल्पना करते हैं कोई कहता अस्थि नास्ती इत न वस्तु ने अपनी आत्मादुवादीनाम अस्थि नास्ती इत्यादि विकल्प दृश्यंत है आत्मा अस्ति नास्ति थी 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 दे। तो वस्तुभूत है तो वादी में उसमें कोई कहते आत्मा है ही नहीं कोई कहते है क्योंकि देह आत्मा कोई कहते इंद्र और विकल्प तो होता है तो वस्तु में विकल्प क्यों नहीं हुआ वस्तु ने अपनी आत्मा तो वादी नाम मस्ति नादि विकल्प दृश्यन्ते दिखते हैं ऐसा संकांश तत्र आह विकल्पना तो पुरुष बुद्धि अपेक्षा वस्तु में विकल्प ही नहीं पुरुष अपने बुद्धि की अपेक्षा करे विकल्प कल्पना बहुत करते हैं कल्पना तो पुरुष बुद्धि के अनुसार करिए कल्पना में अलग वस्तुत जैसे विकल्पना तो पुरुष बुद्धि ये का अस्तिदिकोटिस्मण पुरुष बुद्धि अस्ति कोई तन तन्मूला वही जो पुरुष बुद्धि हुई पुरुष बुद्धि से कल्पना पुरुष अपेक्षा कल्पना पुरुष बुद्धि कोटि स्मरण हो उसके बाद मन में स्पंदन वा तरह शंकड़ विकल्प हुआ मनस्पंदित मात्रा विकल्पना वो विकल्पना कैसे कभी संशय होता है कभी भ्रम होता है कभी विकल्प होता है विभिन्न संशय विपर्य विकल्प पुरुष बुद्धि के कारण बुद्धि से ऐसे पुरुष में ऐसे बुद्धि एक कोटि स्मरण हुआ एक कोटि स्मरण नहीं हुआ तो ऐसे करके स्थान हुआ पुरुष हुआ अस्थि नास्ति कभी संशय कभी भ्रांति कभी स्थान को पुरुष समझ लिया कोई रज्जु को सर्प समझ दिया कहीं विकल्प करता है इसमें संशय से विकल्प जितने है कोई रूप है यथार्थ अनुभव वो प्रमाण न परमारूपा इतर आते पुरुष बुद्धि अपेक्षा कारण से परमात्मा का नहीं है अयम भाव कह करके उसके स्पष्टीकरण कर देते धर्म ही यथा यथा, यथा ज्ञायते तथा तथा कर्तुम शक्य जैसे-जैसे शास्त्र में, में आया ऐसे ही यथा आईति पुरुष बुद्धि अपेक्षा विकल्प पुरुष बुद्धि अपेक्षा सर्वे परमाण विकल्प अपवाद धर्म में आया अग्नि अग्निशम नहीं जैसे अतिरा तेरह गृह ना गृणाती उदित ज्योतिद ये भी ऐसे सौकर्षते सा सर्वे परमूपाव भ्रांति नहीं है कहीं विकल्प होता है कहीं वैच्छिक होता है विकल्प अपवाद भी है ये सब प्रमा तस् तो ब्राह्मणे सर्वे विकल भी भी, यथार्यु उसके समानता बेदार होने के कारण सारे सौ सब हो जाएंगे यथा तो प्रमा हो जाएंगे यापति तरव एवं ओमिति, मिते न तत्राप्यो मित्र तत्राप्यो तत्राप्यो है ना अपे ना अपे ना नहीं अरे किस में नहीं बना जिसमें है वो में लिखा एक है तत्राप्य एवं मिति नहीं तत्रा ओम किसमें बना है तत्रा प्योमिति तत्रा प्यू प्यापा है, तत्रा है इसमें है, ये यहाँ क्या पुस्तक है मैं? हाँ, ऐसे पाठ है, कहेंगे तत्रा बेवमिति है, तत्रा ओमिति भी पाठ है, वो कहाँ क्या पुस्तक है? ये बोली बाबा है। अच्छा, ओमिति है। हाँ, ओमिति हाँ उसमें पुन्नान में ओमिति है, आश्रम वाले में ओमिति है तत्रा प्योमिति तथा प्यो प्योमिति प्यो करने से माँ अधिक हो जाएगा और क्या रहा प्यो प्योमिति यदि बदंतम प्रत्याह ऐसे तो कहेगा तो उसका कहते न वस्तु यथात्म ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षा वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान पुरुष बुद्धि अपेक्षा नहीं है पुरुष बुद्धि के अनुसार नहीं अतः के अनुसार है में बताता ज्ञान वस्तुतंत्र तंत्र पुरुष बुद्धि के नहीं कर्तृतंत्र नहीं ओ। ओ। ओ।